मतलब बिग बॉस में एमसी स्टैन गए हैं तभी मैंने उनको देखा है, उससे पहले मैं उनको फॉलो नहीं करती थी। चल झूठी। और मुझे उनके बारे में पता भी नहीं है, इतना ज्यादा डीपली नहीं पता है और मैं उनको नहीं जानती। सब कुछ इनको डीपली क्यों जानना है? नोटी नोटी। देखो गाइस, इनको एमसी स्टैन के बारे में नहीं पता, ये बस टिकटॉकर्स को जानती है। एमसी स्टैन कौन है इनको तो पता ही नहीं है। तेरे को पता था? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरे को पता था, मतलब वो करते क्या करता है तो मतलब उसका गाना समझ में तो नहीं आता है मेरे को, बट नाम बहुत है उसका। तो अगर हम लोग मार्केट में कहीं बोल दिए कि हमको एमसी स्टैन नहीं पता तो हम पे ही थू हो जाएगा, इसलिए बोल दो हाँ जानते हैं सर। नहीं नहीं, मेरे पे तो कर दो गाइस, चलेगा मेरे को, मैं नहीं जानती हूँ उसको। आप जानती है ना, और इस आज के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं हैशटैग मुंजली पे रिएक्ट। और मुंजली वही मुना, ये करेक्ट वर्ड था, रिएक्ट गाइस। हम लोग रोस्ट नहीं करेंगे गाइस, हम लोग करेंगे मुनावर फारूकी पे और अंजलि अरोरा पे रिएक्ट। चलिए शुरू करते हैं। लिटिल बिग, बिग बॉस में गए हैं। काफी चर्चा है। अब्दू को मैंने देखा, अब्दू की बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया। अब्दू का तो नाम लेगी क्योंकि उसका वीडियो तो वायरल हो रहा है। ही इज वेरी क्यूट यार, द वे ही टॉक, वाओ। अरे जानती, वो ऐसा क्यों बोल रही है, अभी वो कुछ दिन बाद ट्राई करेगी अब्दू से मिल के, फिर वीडियो बना लेगी, वायरल हो जाएगी। और इसमें पूछेगा लोग पक्का इनके साथ। वो कुछ देखा मैंने कि लाइक आप बहुत क्यूट हो, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड। हाँ, आप बनाना चाहोगे अब्बू के साथ कोई सॉन्ग या फिर कोई ऐसा? यार why not guys? देखा, धीरे धीरे सिंग निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। प्लीज ऑफर मी अ सॉन्ग विद हिम। मैं बात क्यों कर रही हूँ उसके बारे में, बकलोल समझ में नहीं आता। और गाइस, ये गलत अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है, द वे ही टॉक, नो प्लीज, यू आर अ फेमस टॉक्स होगा ना, द वे ही टॉक्स, यू आर अ फेमस, क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी। नहीं, पर्सनालिटी तो है नहीं इसके बाद। Emotional, damn it. You are a public figure now, लोग जानते हैं आपको, तो आप अगर हिंदी बोलेंगी तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा ज्यादा फैलेगी। आई थिंक दैट विल बी मोर गुड, क्योंकि इंग्लिश तो हर जगह बोल ही रहे हैं। और इंग्लिश अगर बोल ही रहे हो तो सही से बोलो ना बे, गलत अंग्रेजी बोलने जरूरत नहीं है, सही हिंदी बोलो, ज्यादा अच्छा लगेगा। सही में तुम मथिरा जैसे बोलने लगी है बे, थोड़ा थोड़ा सही। हाँ, क्या बात, सही। तू चुप रे, क्या सही हो? देखो, ये सब चीजें पूछने की नहीं होती, अगर अपॉर्चुनिटी आ गई तो कौन मना करता है? अपॉर्चुनिटी आया था इनके पास, मना नहीं किया इन्होंने। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। एमसी स्टैन के फैंस काफी ज्यादा गाली गलौज, ट्रोल, वो सब करते हैं जब भी उनका किसी से झगड़ा होता है। गाली गलौज, ये तो जानती है गाइस, एमसी स्टैन को गाना करेंगे एमसी स्टैन के साथ। ये पहले तो ऐसे ही बोल दी थी, वो फ्लो फ्लो में अपने आप को हो गया था गाइस, थोड़ा सा साड़ी वैसा चमकी वाला हुआ है तो चमकी बाजी कर दिया है। जानती है अभी हम भी जानते भाई। हम तो बोले जानते हैं, तू अब आए ना लाइन पे। तो मुझे उनके बारे में पता भी नहीं है, इतना ज्यादा डीपली नहीं पता है और मैं उनको नहीं जानती, सो मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। इतना कमेंट कर दे जिससे ट्रॉल हो जाए, अब इससे ज्यादा नहीं प्लीज। बिग बॉस के लिए देखो, अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं है, पहले मैं काम कर लूँ, बहुत सी चीजें लाइन अप है मेरे। बिग बॉस तो काम नहीं है गाइस, वहाँ बेगैरत लोग जाते हैं तो वहाँ क्यों जाएगी, पहले बुलाएगा, काम करेगी। बुलाएगा तो फट से सबसे पहले लाइन में यही रहेगी, बट ये बुलाया नहीं तो मैं अभी लाइन अप है मेरा, लाइन अप भी इनका कैसा है सबको पता है। वेट कर रहे हैं कि मेरी कब चीजें नई 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 बाहर आए, कब इनकी नई नई चीजें बाहर आए, वायरल हो, फैंस इनका बेसब्री से वेट कर रहे हैं। मुझे क्यों थोड़ा से काम कर लूं, बिग बॉस में तो जाएंगे ही जाएंगे, जाएंगे ही जाएंगे। अरे बिग बॉस में क्यों नहीं जाएंगे, ये पक्का जाएगी, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है इसका नाम थोड़ा डाउन होने लगेगा ना तब जाएगी। नहीं नहीं नहीं, उसको लेगा वो, अच्छा नाम है, अच्छा नाम बना लिया उसने। कोई हाय नहीं किया उसको, वो किसको किया है, इधर गाना कुछ और ना, कॉपीराइट की वजह से हटा दिया है। किसी का लगा कांचा बादाम, अरे ये क्या कर रहा है, ये क्यों अभी ठोकना चालू कर दिया। गंदा लड़का छी।
अरे वो तकिया ठोक रहा था इसलिए बोले यार तुम। पापा तो बोल देंगे। हम तो भाई शरीफ मन से बोले, आप हमको क्या पता ये लोग मेरे को ब्लैकमेल करने लगे। लव यू। कहाँ BTS के पौधे। सजना है मुझे वापस। सजो ना, इधर क्यों बैठे? सज के तो बैठा है, अब कितना सजेगा? फाउंडेशन लगा, ये लोग का मुंह धुल देगा ना तो काला कर लो। अंजलि अरोड़ा का मीनिंग डिक्शनरी में है ट्रेंड। इस हिसाब से, इस हिसाब से रुक, आंख बंद करके अभी हम इसका वीडियो का व्यूज नहीं देखे। ट्रेंड मतलब कितना? 1 मिलियन व्यूज जाना चाहिए प्लस। ये देखते हैं। ट्रेंड, व्हाट अ ट्रेंड इट इज। इसका मुंह बन गया होगा, ये वीडियो देखता होगा जब बैठ। इसको ये वीडियो भेजते हैं हम, इसको 10 अकाउंट बना के इसको भेजेंगे। भैया ट्रेंड, भैया भैया। मीनिंग आपने अपनी मम्मी से पूछा था जब आप पैदा हुई कि अंजलि अरोरा का मतलब क्या है? पूछा तो नहीं था, आप पूछते तो कहती पता नहीं कैसे हो गया। क्या पैदा या ट्रेंड? तुम्हें लगता है कि लोगों का प्यार इतना है कि गाना ट्रेंडी होगा? सर जितनी भी चीजें आपने बोली ये सब होनी बहुत जरूरी है। अच्छी डायरेक्शन, अच्छी कोरियोग्राफी। अच्छा कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी गाइस। क्या ही बोला जाए। इनके वीडियो में कोरियोग्राफी तो आपने देखा ही होगा। अरे भिख मंगिया क्या दिख रहा है? मैंने इस आने के लिए तो भाई मैं ऐसे रेडी हुई हूँ जैसे मेरी शादी वादी होने वाली है और सब मेरे से ऐसे पूछ रहे हैं। एक पूरा रूमर था ना कि अंजलि की शादी हो रही। कब हुआ ये रूमर? ये रूमर के बारे में किसी को पता? बहुत ट्रेंडिंग है ना, हर एक स्टेप रूमर हो जाता है। अंजलि ने छींक दिया ट्रेंड। यार तू शादी कर रही है क्या? मैंने कहा हाँ मेरी शादी हो रही है। मतलब अगले दिन हमने अनाउंस करा था ना कि सजना है। कैसे हंसा सिद्धार्थ एक बार पीछे कर। उसका मुंह देखना, वो सोच रहा है वाओ कितना फनी चीज बोल दिया दीदी ने। मतलब अगले दिन हमने अनाउंस करा था ना कि सजना है मुझे जबरदस्ती। ये चीज बंद करके ये खोल रहा है वरुण धवन। वरुण धवन लाइट गाइस। कुछ तो लोचा हुआ है, बाकी सब मेरे से पूछ रहे कि लोचा तो लोचा तो हुआ था। शर्म आ गई। आशा भोसले का गाना है। यस। श्रुति रानी ने गाया हुआ है। कहीं वो डर लगता है कि लोग ये भी कहें कि यार श्रुति रानी का हाला ट्रेंड कर रहा है, पर आशा भोसले डर इस बात का होना चाहिए कि इसमें अंजलि क्यों है। मगर क्यों कि ये डर होना चाहिए कि श्रुति रानी गाई है तो कहीं गड़बड़ ना कर दी हो, तो डर तो इस बात का होना चाहिए कि इसमें अंजलि अरोरा है। क्यों है? उनकी आवाज को उनकी उनका कोई रिप्लेसमेंट उनका कोई रिस्पेक्ट ही नहीं हो। उनके आवाज को कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मतलब क्यों इंग्लिश बोलना है जबरदस्ती? उनका कोई तोड़ नहीं है, मतलब अभी यही पहले बोल दी रहती उनकी टक्कर का कोई। हाँ यही बोला, सबसे यही बोला, तोड़ टक्कर रिप्लेस क्या, एक चीज बोलो भाई कुछ भी। ड्यूरेशन लंबा करवा रही है सिद्धार्थ कनन का, ज्यादा रेवेन्यू आएगा समझा। अगर कोई उनसे अच्छा भी गा दे ऐसा वैसे कभी हो ही नहीं सकता, बट अगर ये थोड़ा ज्यादा। श्रुति रानी आप भी देख रहे हो ना इस वीडियो को। चीटिंग 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 करता है तू। मानते हैं रीमेक अच्छा नहीं होता है तो तुम क्यों गई, तुम क्यों की? पैसा ही पैसा हो गया। मैं किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपना 100% दे पाऊँ इस गाने में, और ऑडियंस को पसंद आ रहा है, उन्होंने थैंक यू भी बोला इस चीज को। ये क्या बोल रही है, मतलब श्रुति रानी ऐसा बोली है? इसको बोली, हम लोगों को तो नहीं बोली, हम लोगों को तो हर्ट हो गया गाइस। बहुत बिग बॉस मुझे हर्ट हो गया। व्यूज नहीं आते, सैड हो जाती बहुत। मैं रोती हूँ, मेरी ऑडियंस को पता है मैं रो देती हूँ। मैं रोता हूँ, मेरे व्यूज नहीं है मैं रोता हूँ। तू भी रोना आपसे, तेरी ऑडियंस आके लाइक लाइक टक के जाएगी वीडियो पे। माने मुझे सिखाया था। ये तो मुझे बड़े अच्छे से आता है। I'm very emotional. हमेशा रोना मतलब इमोशनल का। छोटे बच्चे क्राई बेबी भी नहीं बोलते इसको, इमोशनल बोलते हैं। छोटा बच्चा लोग इमोशनल होता है 2 साल तक। ओह माय गॉड। अच्छा तो ये मेरी ऑडियंस सब समझती है। आकाश सब समझ जाती है अपने आप गाइस। ये यहाँ रोती है ऑफ कैमरा, ऑडियंस को समझ आ रहा है, सपना आ रहा है, अंजलि रो रही होगी। चलो लाइक करो वीडियो, सभी को बहुत पसंद आया। उसका पूछ रहा तुम पूरी सभी बोल रहे हो। मेरी फैमिली को, आकाश को, शुभम को, सबको गाना बहुत पसंद आया। ये आकाश और विकास कौन है यार? गाइस बॉयफ्रेंड रिवील्ड फाइनली। ये लोग के चेहरे उसका भी देख, उसका भी ये बोल रहे
ये मैंने कब भी बताते हैं तेरे को साला, ये नहीं बोलना था क्या? दूध रखा है भाई, दूध रखी है मतलब। नहीं 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 भाई भाई होगा तो देवर, देवरा है क्या शिव? देवरा ढोड़ी चटना भी तो है, मेरी जिंदगी भी तो है, मैं खुद को कैसे पसंद करती हूँ, मैं वैसे रहती हूँ। अच्छा तो फिर कम व्यूज आने पे तो रोना नहीं चाहिए, तुमको वो गाना अच्छे लगे वहीं पे बात खत्म हो जाना चाहिए, है कि नहीं? पॉइंट तो है कि हाँ देखो ये बंठन के नहीं रहती है, कैसे कैसे पे कपड़े पहनते, इट्स ओके ना, मेरी लाइफ ओके ना, पैसे तो आ रहे मेरे टाइम पे। और कौन से ये कपड़े किसी और ने खरीदे हुए हैं यार, खुद अपनी मेहनत के? ये चाह रहा है कि अभी वो कुछ बोल दे, हाँ किसी के बाप ने थोड़ी दिए हैं, मैंने कुछ तो शुरू हो यहाँ पे। वो लोग को लगता है कि तुम्हारी फेम बहुत समय तक नहीं रहेगी क्योंकि इसका फाउंडेशन सॉलिड नहीं है, तो उनको एक लाइन में क्या कहना चाहोगे? वक्त बताएगा। ये देखिए उगलवा रहा है उससे कि कुछ बोल दो, बोले ये बोल रहा है कि कुछ लोगों को लगता है कि तुम लंबे टाइम के लिए नहीं आए, मैं क्यों लंबे टाइम के लिए आए? एक कुलदीप सिंघानिया का मोटिवेशनल वीडियो देखते। एक प्रेस कॉन देखा था, शायद मुनव्वर गए थे, अभी आया ये पॉइंट पे, इतना देर से पूछ रहे हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर सिर्फ सिलेक्टेड वीडियोस करता, वो वीडियोस करता जो मुझे पसंद है। अच्छा, और पॉपुलैरिटी के चक्कर में बैक टू बैक वीडियोस करना मेरे में नहीं है। ये अपना बात बता रहा है, बोल रहा है मुनव्वर ऐसा बोला था, अभी जाके मुनव्वर के इंटरव्यू देखेंगे, वैसा कुछ नहीं बोला रहेगा तब सिद्धार्थ करण का। इसका वो नहीं कर सकती कि हाँ भी उसको कितने ऑफर्स आते हैं या मुझे कितने ऑफर्स आते हैं, मुझे एक इतना हफ्ते में ये क्या बोलते हैं उसको, डिप्लोमेटिक आंसर्स क्यों दे रही है, सीधा सीधा क्यों नहीं बोला जा रहा है इससे? जनता को फंसाया जा रहा है ये। हाँ, तूतिया बनाया तुम तो। कि हाँ मेरे को इन 14 में से एक वीडियो सिलेक्ट करना है, या फिर कभी कभी 14 ही रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, अगर मैं एक महीने में एक गाना कर रही हूँ तो वो मेरा सिलेक्शन है, मुझे वो गाना पसंद आ रहा है, ऑडियंस को पसंद आ रहा है। सिलेक्शन का बात ये ना करें, अभी पिछले ही वाले वीडियो में अब्दू के साथ गाना करना है कि नहीं, ओ ये भी पूछने वाली बात है, कर लूंगी मैं तो। लपक के हाँ बोल दिया। एक बार भी नहीं सोची गाना होगा कैसा, उधर भी बोल सकती थी ना, मैं सिलेक्ट करता हूं गाना कैसा है। मैं किसी, कोई मेरे को क्या जज कर रहा है क्या नहीं जज कर रहा है, बोली है कुछ तो बोली। और कोई कुछ बोले क्यों भाई? अच्छा लॉकअप में तो मैंने देखा था सूद के आई लव यू कर रही थी तुम। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। कुछ नो दैट वाज मुनव्वर, कोई नहीं। लॉकअप में भी वो ले लेता था, कुछ कुछ करती थी ना तो बताता 10 सेकंड से ज्यादा नहीं कर पाओगे टिकटॉक अगर तुम, ये वो भाई। हाँ, उधर हंस के चियार के सब सुन लिया, इधर आके अच्छे बैठ। अभी आके सामने बोल देगा ना कुछ तो, बोले अरे हाँ मुनव्वर जी आप भी ना। अरे मुन्ना ऐसे मत करो। वो स्टैंड अप कॉमेडियन है मुनव्वर। हाँ तो इज्जत तो दे रही है, इज्जत तो है गाइस, दिल में अभी भी प्यार है उनके लिए। मुनव्वर आके एक बार तुम कुछ बोलो तो। 50 करते हैं वो, 1000 शो करे। अरे बाप रे, सोचिए एक बार 1000 बोले कि नहीं, बोले कि नहीं? नहीं नहीं, 100 बोल देती हूँ फिर पीछे ले लेनी, 100 नहीं 1000 लो, भारी बहुत। उनको कोई रोकने के लिए थोड़ी आ रहा है, वो उनका जोनर है। नॉनसेंस, उनका जोनर है, इनका जोनर कुछ और है। ओह माय गॉड, इनका जो जोनर है उसमें ये बहुत प्रोफेशनल है। इस वीडियो का टाइटल हम लोग को आरआईपी इंग्लिश रखना पड़ेगा अगर ऐसे रही तो। मैं अपने आप को जब मैं सेट पे जाती हूँ, आई वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन। एक इंसान जिसने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूं मैं करूंगा, पर वो भी मुस्कुराहट के साथ, बॉन चामर है, मुझे लगता है इसने मुझे भी पूरा चाम कर दिया। मुनव्वर मेरे भाई द हीरो, दोगला है इतना फेक भाई, उसको भी बोला आई लाइक दिस एटीट्यूड, इसको भी बोल रहे हैं द चामर। अंजलि, मुंजलि, ये सारी चीजें मैंने जाना, सिर्फ अंजलि नहीं, मुंजलि करमजली, सब ये कह रहे हैं कि यार क्या जोड़ी है। ये तो बोलता है कुछ नहीं बोला, तो तू क्यों बोला कि वो बोला? मैंने नहीं बोला कि वो बोला, चुप हो जा सातवीं फेर। और अब लोग कह रहे हैं यार ये तो सिर्फ दोस्त है, ये तो और होने वाला था। अरे कहना क्या चाहते हो? तो वो जगह वैसी है ना कि आप बाहर की दुनिया से आपका कनेक्शन काफी कटा हुआ है, आपको लगने लगता है ओके दिस इज, आप सुबह उठोगे उठते के साथ वही है कि यही 12 लोग के इर्द गिर्द मेरी दुनिया है पूरी, तो उसमें दोस्ती होती है, बॉन्ड्स बनते हैं। और अंजलि के साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, लाइक आई कैन डिसरिस्पेक्ट हर,
मुझे लगता है कि जब मेरे दोस्त बन जाओ, अगर तुम झोंक ले सकते हो अपने आप पे, तो तुम मेरे झोंक दोस्त बन सकते हो। एंड आई फील वो शायद वो वही चीज अच्छी लग रही होगी। अब बाहर वो कुछ ज्यादा लग रही थी या किस वे में लग रही थी वो नहीं समझ में आता है वैसे सिचुएशन। गर्लफ्रेंड मारेगी भैया, इसकी गर्लफ्रेंड थी ना बाहर। हाँ। अंदर तो भाई डिसरिस्पेक्ट का बात कर रहे हो साला, उधर आई लव यू चल रहा था तुम लोग का भाई, गलत है। ये तो नहीं, वही लगी थी पीछे, ये तो डिसरिस्पेक्ट ही करता था, वही उसको प्यार से। हाँ, ये रोस्ट करता था उसको 10 सेकंड रील। लेकिन अब वो भी डिसरिस्पेक्ट कर रही है गाइस, दोस्ती शायद गहरी हो गई है। मैं रियली उसके लिए विश करता हूँ कि वो बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे, और ऑलरेडी उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, आने से पहले ही उसके इतने बड़े बड़े बहुत सारे कच्चे बादाम भी खाए। हाँ बहुत सारे। क्या बोला तूने, कैसे बोल रहा है ये हरामी कहीं का, कहने का मतलब क्या है सिद्धार्थ कनन? तो अंजलि को इंस्टाग्राम में क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? इंस्टाग्राम और वो तुम्हें नहीं फॉलो कर रही है? देखो फॉलो तो मैं बहुत लोगों को नहीं करता, तुम भी हो उससे, और इसका जवाब मैं खुद आपको थोड़े देर में दे दूंगा। सोच के एक अच्छा जवाब आने तो मेरे दिमाग में मैं देता हूं। मुनव्वर ने कभी अंजलि को लीड किया ही नहीं। एक सेट है नहीं यार, क्योंकि मुनव्वर चार्मिंग था और कभी कभार कुछ ऐसी चीजें कर रहा था जो अभी बहुत ज्यादा लरचटाई कर रहा है, बहुत इसके फैशन में थोड़ा डिफेक्शन लग रहा है हमको। सिद्धार्थ कनन की शादी हुआ है। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक करें, वीडियो पे फेवरेट पार्ट कमेंट करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करो। नहीं तो हम इमोशनल हो जाएंगे गाइस। हाँ, नहीं तो हम रोने लगेंगे।